की बड़ी खबर पुष्पराजगढ़ से आ रही है, जहां पर पुष्पराजगढ़ विधायक फूंदेलाल सिंह ने किरर घाट को लेकर धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया है। आपको बता दें कि इन्होंने बीते 22 जुलाई को प्रदेश के मुखिया के नाम एसडीएम पुष्पराजगढ़ को ज्ञापन के माध्यम से सूचना और किरर घाट को जल्द चालू करने की बात कही थी, लेकिन आज दिनांक तक किरर घाट का काम चालू नहीं होने से ये धरने और चक्का जाम किया गया है। आपको बता दें कि किरर घाट के मामले को लेकर हमारे चैनल ने बहुत ही प्रमुखता से खबर दिखाई थी। देखिए विधायक पुष्पराजगढ़ फूंदेलाल सिंह क्या बोल रहे हैं। सब परिस्थिति है, उन्होंने आश्वासन दिया कि 3 दिन में आपका रोड खुल जाएगा, 3 दिन में विद्युत कट और इन बातों को लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि अतिरिक्त कार्य प्रारंभ किया जा सके। और इस तरह से ये सौतेला व्यवहार पुष्पराजगढ़ क्षेत्र वासियों के साथ हो रहा है, इसकी हम निंदा करते हैं और तत्काल किरर घाट कार्य का मरम्मत कार्य प्रारंभ की तो 3 दिन में रोड बन जाए, उसको वैकल्पिक रास्ता बनाना चाहिए, बड़े वाहनों को रोक दे, कार बसों को छह चकिया गाड़ियों को जाने दे ताकि आम जनता का निस्तार बंद ना हो, बड़े बड़े वाहनों को वहां रोक दीजिए। यह हमारा मुख्य मार्ग है, हम यहाँ से जिला जाते हैं, संभाग जाते हैं, प्रदेश में जाते हैं, यह पूरे मुख्य धारा से हम वंचित हैं। कहीं भी आवागमन करना हो तो हमारा राष्ट्र किरर घाट गिरा हुआ है। की जो रोड टूटी हुई है इसके लिए कोई जांच कमेटी बनाई गई है? देखिए MPRDC की रोड ये क्षतिग्रस्त हुई थी, इसमें एक जांच कमेटी जो बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट जा चुकी है। अभी वर्तमान में हमारे सामने जो समस्या है वो इस रोड के रिपेयर को लेकर है, जो MPRDC के माध्यम से होना है। इसका दुर्घटना होने के अगले दिन ही जो है टीम आई थी MPRDC की, उन्होंने स्पॉट पर मेजरमेंट ले लिए हैं और इसकी स्वीकृति की प्रक्रिया भोपाल में चल रही है, लेकिन हमने MPRDC को जनप्रतिनिधियों से चर्चा के बाद MPRDC को हमने ये निर्देश दिए हैं, कलेक्टर महोदया ने भी दिए हैं कि काम को ऑन द स्पॉट तत्काल शुरू कराएं। और जो सूचना मिली है MPRDC के असिस्टेंट इंजीनियर के द्वारा कि मौके पर कल से जो है काम शुरू करवा दिया गया है, 10-15 लोग अभी काम कर रहे हैं और उसकी अभी हम फोटो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये जनता को काफ़ी समस्या हुई है इस रोड के टूटने से, ये मुख्य मार्ग था अनूपपुर को लिंक करने का और हमारा पूरा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी इस रोड की मरम्मत हो जाए ताकि जो है आवागमन और अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधर जाए। क्योंकि सर ये रोड पहले से भी विगत 2 वर्षों पहले से सिद्ध बाबा के पास से टूटी हुई थी जिसका निर्माण कार्य नहीं चालू कराया गया, तो आखिर इस रोड के लिए रिस्पॉन्सिबल किसी को तो बनाया जा पड़ेगा सर। नहीं, ये बात सही है कि पहले भी मेरे संज्ञान में आया कि एक रिपोर्ट दी गई थी करीब 2 साल पहले, तब भी कुछ डैमेज हुआ था, उसके बाद उसमें क्या निर्माण क्या मरम्मत की गई और यहाँ से रिपोर्ट तब भी गई थी तो वो भी हमारे जांच रिपोर्ट में उल्लेखित है और हमने ऊपर सक्षम प्राधिकारी को ये रिपोर्ट दे दी है अग्रिम कार्रवाई को। क्या माना जाए आज आप लोगों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन दिया है रोड को लेकर, क्या समस्या है और क्या निराकरण निकला इसका? देखिए आप पुष्पराजगढ़ से अनूपपुर का यह प्रमुख मार्ग है जो जिला मुख्यालय को जोड़ती है, विगत लगभग 1 महीने से ही अवरुद्ध है। इसके लिए हम 22 तारीख को 22 जुलाई 2021 को माननीय अनुभागीय दंडाधिकारी को ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने निवेदन किया था कि तत्काल इसका जो है मरम्मत कराई जाए और चालू कराया जाए, परंतु आज दिनांक तक कोई जानकारी न मिलने के कारण आज धरना प्रदर्शन यहां किया गया और धरना प्रदर्शन स्थल पर अनुभागीय दंडाधिकारी जो एक IAS भी हैं उन्होंने बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में उनके आश्वासन पर केस को हम तत्काल मरम्मत कराते हुए चालू कराने का आपने जो आश्वासन दिया है, इसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और कार्यकर्ताओं ने यह निर्णय लिए हैं कि आदरणीय SDM साहब के निर्देशों पर उनके आश्वासन पर ये धरना प्रदर्शन समाप्त किया जाता है। यदि 15 दिवस के अंदर ये चालू नहीं हुआ तो हम पुनः, चूँकि हम जब विपक्ष में हैं जनता की असुविधा को हम नकार नहीं सकते हैं, हम पुनः इसी तरीके से हम धरना प्रदर्शन करेंगे और जब तक ये रोड प्रारंभ नहीं हो जाएगा ये हमारे अनवरत चलते रहेगी। अभी 15 दिन के बाद इसके हम आगे का रणनीति को आपको बताएंगे। कैनन न्यूज़ के लिए पुष्पराजगढ़ से आशीष सैन की रिपोर्ट।